आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब हनुमान लल्ला को मिला एक नया मित्र सुग्रीव। ये मूर्ख सुग्रीव कहां लुप्त हो गया? ये मूर्ख सुग्रीव किसी संकट में ना फंस गया हो। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। इसे बार बार देखने को मन ललचाता है। ये कैसा विचित्र संबंध हो गया है इस बालक से मेरा। कहां मैं आया था इसे बंधक बनाने, इसने तो मुझे ही अपना बंधक बना लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, ये स्थान तो मेरा देखा हुआ है। ये तो उस मरकट का। चलो आज उस मरकट का अशुभ दर्शन तो करना नहीं पड़ा। देवी अंजना और युवराज को बुलवाइए। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। तुम
मुझे बहुत छका रहे हो। इतने छोटे से तो हो और इतना आकर्षण, कैसी स्वर्ण जैसी चमक निकल रही है तुम में से, और तुम्हें कोई मरकट कैसे कह सकता है। तुम तो कंचनाब हो कंचनाब। सुग्रीव, तुम्हें दर्पण के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता है ना। मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैं हूं सुग्रीव और ये दर्पण में मेरी छवि। ये तुम हो कंचनाब और दर्पण में कंचनाब की छवि। ये सुग्रीव और दर्पण में सुग्रीव की छवि। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। सुग्रीव, 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 सुग्रीव। केसरी नंदन आपके पास? आप कौन हैं? आपका पुत्र तो बड़ा ही मनमोहक है, किसी को भी वश में कर लेता है। लीजिए, ये लीजिए। दुष्ट वाली हनुमान लला को एक नाम दिए बिना नहीं रह सका, तो निर्मल हृदय सुग्रीव भला कैसे पीछे रह जाते। नाम भी दिया तो कैसा जगमगाता हुआ, कंचनाभ अर्थात सोने जैसी चमक वाला। सुग्रीव और हमारे हनुमान लला में क्या कोई पुराना विशेष संबंध है क्या मुरली मनोहर? कुछ संबंध हृदय स्वयं बना लेते हैं, और ये संबंध अपनों से भी बढ़कर होते हैं। तो फिर वाली को क्या उत्तर दिया सुग्रीव ने? विलीन हो गए थे। गुरुकुल का एक मित्र दिख गया था, उसी से बातें कर रहा था। बिना मुझ महानतम को कुछ बताए। ऐसी विचित्र स्थिति में फंसता जा रहा हूं मैं। क्या मुझे वाली भैया के विरुद्ध में जाना होगा? ये कैसे कर सकूंगा मैं? तो
सौभाग्यवती भव। आइए वानरराज, आप युवराज को गोद में लेकर महारानी के बाई ओर आसन ग्रहण करें। देखकर तो सब अचंभे में पड़ गए होंगे। पांडवल्लभ पढ़ ही गए थे, किंतु आगे जो हुआ उसे सुनकर आप सब भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ओम ज्येष्ठाय स्वाहा, ओम अविष्टाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ओम संपदे स्वाहा, ओम यतनाय स्वाहा, ओम मनसे स्वाहा, ओम प्रजायै स्वाहा, इदं ज्येष्ठाय नमः कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सके।
तेजस। आपका तेज औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। अस्तु। पूर्व ही हनुमान लला को कितने नाम मिल गए भगवान, अग्निदेव ने भी एक नाम दे दिया। तेजस तो अग्नि को ही कहते हैं और स्वयं तेजस ने हनुमान लला को महातेजस कहा। कहना ही पड़ा, हमारे अंजनी नंदन हनुमान ने तो अग्नि के साथ एक प्रतियोगिता जो कर डाली। उनकी ये लीला देखकर हवन में कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मित हुए और कुछ तो ऐसे भी थे जो विचलित हो गए। और कौन? मैं महानतम वाली। ये देखो ऐसे बिल्कुल ठीक, ऐसे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमें एक नई शक्ति देता है। समझ गए केसरी नंदन? ही कहा है किसी ने, माँ ही पुत्र की प्रथम गुरु और मार्गदर्शक होती है। माँ के ज्ञान द्वारा ही संतान को एक सही दिशा मिलती है, क्योंकि संतान का नाता सबसे पहले और सबसे अधिक माँ से जुड़ता है। माँ का गर्भ ही संतान की पहली पाठशाला है। एक माँ जब अपने ज्ञान से संतान में सद्गुण और संस्कार भर देती है तो उसे उसकी सारी तपस्या, व्रत और पूजा पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए तो वेदों में माँ को हर स्थान पर पूजनीय कहा गया है। माँ? हाँ पुत्र,